पंचायत सीजन 3 को लेकर उनके डायरेक्टर के द्वारा एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, और वह अपडेट जानने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सीजन 2 को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज्यादा उसकी प्रशंसा की जा रही है, इतना ज्यादा उसको मतलब सराहा जा रहा है ना, उसके बाद जो डायरेक्टर है कल ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी हाँ सीजन 3 आएगा, पर वो कब आएगा? सबसे बड़ा जो सवाल है वह यह है कि वो कब आएगा। तो उन्होंने यह भी कहा है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके आने में हो सकता है कि मतलब अभी, क्योंकि क्या है ये तो कंफर्म हो चुका है कि सीजन 3 बनेगा, उसके मतलब उसके स्टोरी पे काम स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक अमेज़न प्राइम के द्वारा उसे वो क्या बोलते हैं मतलब लीगल एक नोटिस नहीं मिला है कि हाँ ठीक है आप तैयार करिए, और अभी कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, बस यही है कि आएगा, जरूर आएगा। अगर हम इसके स्टोरी के बारे में देखो बात करें तो देखिए जो जहाँ पे सेकंड स्टोरी खत्म हुई है बहुत ही इमोशनल पार्ट पे खत्म हुई, बट साथ ही साथ एक सस्पेंस उसमें दे गया है कि जो सचिव जी हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो विधायक जी सचिव जी का ट्रांसफर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो हमें सीजन 3 में देखने के लिए मिलने वाला है। और सीजन 3 में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जो लव स्टोरी है रिंकी और सचिव जी की, वो देखो मैं ये तो बता दे रहा हूँ आपको कि ये बहुत स्लो जाने वाला है, बट थोड़ी सी मतलब उसमें भी कुछ खास हमें उनकी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कि बहुत ज़्यादा एकदम पूरा ही दिखा देगा, बट हाँ थोड़ा सा उसमें उसकी प्रोसेस जो है थोड़ी और आगे बढ़ेगी। और हमें सीजन 3 में देखने के लिए मिलेगा कि जो भूषण जी की लड़ाई हुई है किनसे, प्रधान जी से, तो उसका जो एंगल है वो हमें लगता है कि वो सीजन 3 में खत्म कर देंगे। और एक जो चीज़ है देखिए इस बार ऐसा है कि जो प्रहलाद का बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन दिखाया गया है लास्ट एपिसोड में, उसको वहां से रिकवर करते करते मुझे लगता है कि इन सब का बॉन्ड जिस जो बीच में ना सीजन 2 में थोड़ा टूट रहा था वो और ही ज्यादा गहरा हो जाएगा। और इस बार अगर हम देखें सीजन 2 में तो इनके एग्जाम के बारे में सचिव जी के कुछ भी नहीं हुआ, जीतू भैया जो एग्जाम दे रहे हैं कैट का तो उसके लिए कुछ पता नहीं चला है इस बार, बट सीजन 3 में या तो वो क्वालिफाई हुए या तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब उसमें भी उसमें निर्णय मिल सकता है। सीजन 3 में हमें ये स्टोरी देखने के लिए मिल सकती है, और भी कुछ कुछ स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। और बाकी अगर हम आपको बताएं तो डायरेक्टर ने काफी अच्छी तरीके से जाहिर कर दिया है, जी हाँ दीपक कुमार मिश्रा जी ने बहुत साफली बोल दिया है कि देखो इसका सीजन 3 आएगा बट टाइम लगेगा, और कब आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ, मैंने पूरे अनुमान लगा लिए हैं और सही अनुमान ही लगा है मुझे, कन्फर्म पता है। देखिए इसका जो सीजन 3 है वो मैं आपको बताऊँ तो लगभग 2023 में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई बोलता है कि 2023 में आने वाला है, लास्ट ईयर लास्ट महीने में भी तो नहीं आएगा, मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ। अगर आएगा तो फिर आप देख लीजिएगा, मैं इसको पहले ही बता रहा हूँ, यह 2024 में लगभग फरवरी के बाद मतलब मार्च अप्रैल मई इन 3 से 4 महीनों के बीच में आ सकता है, मतलब मिड की रेंज में आएगा 2024 में, मतलब 24 के पहले पहले तो हमें बिल्कुल भी ये सीजन नहीं देखने मिलेगा, तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बट ये चीज ही ऐसी है क्योंकि जिस तरह सीजन 2 सक्सेसफुल हुआ है ना, उसके बाद डायरेक्टर्स क्रिएटर स्टार्स मतलब सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन आ गया है कि इस बार सीजन 2 से और बेहतरीन काम करना है, और अच्छी स्टोरी लानी है, और ज्यादा दर्शकों को कनेक्ट करना है। तो मुझे लगता है ठीक है अगर टाइम लेते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें कंटेंट अच्छा मिले तो हमें थोड़ा उनको टाइम भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो अभी इसकी स्टार्टिंग अपडेट थी, बट अगर हाँ आप ऐसी नई नई अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और हाँ वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और किस किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर।